बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज का व्लॉग शुरू करते हैं किचन से। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल, तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करती हूँ चने की दाल बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए चने की दाल। ये मैंने ली है 1.5 गिलास चने की दाल और इसको मैंने 3 से 4 घंटे भिगो दिया था और अब मैंने इसका पानी निकाल दिया है। और यहाँ पर मुझे चाहिए एक बड़े साइज़ की प्याज ली है मैंने, 2 टमाटर, एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च। और ड्राई मसाले में मुझे चाहिए नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। और कुकिंग ऑयल मेरे पास है जैतून का तेल, जिसके पास जो तेल हो वो यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने प्याज डाले हैं ऑयल में और इसको हल्का सा गोल्डन करना है, वो डार्क ब्राउन नहीं करना। अभी इस टाइम पे मैंने इस पर लहसुन अदरक का पेस्ट जो 1 चम्मच था वो उसमें ऐड कर दिया है और इसको थोड़ा सा पकाऊंगी और इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए और अब मैं इसको टमाटर के गलने तक इसको पकाऊँगी। टमाटर काफ़ी हद तक गल गए थे तो मैंने इसमें सारे वो ड्राई मसाले भी डाल दिए हैं और अब इसको थोड़ी देर भूनूंगी जिसमें प्याज और टमाटर दोनों अच्छी तरीके से गल जाए और मसाला की वो जो कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाए। मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका था तो फिर मैंने इसमें दाल ऐड कर दी है। अब दाल को भी 4 से 5 मिनट तक भूनना है और फिर इसमें पानी डाल देना है। अभी इस टाइम में इसको भूनते हुए मैंने इसका मसाला टेस्ट किया है, बिल्कुल परफेक्ट है। नमक, मिर्च वगैरह एकदम जितनी मुझे चाहिए थी उतने ही इसमें मैंने डाली हैं। और आप लोग जितना अपने घर के हिसाब से तेज़ खाते हैं तेज़ डाल दें, कम खाते हैं कम डाल दें, तो मैंने तो इसमें नॉर्मल सा रखा है क्योंकि हम नॉर्मल मसाला खाते हैं। दाल मेरी अच्छी तरीके से भुन चुकी थी तो फिर उसमें मैंने 4 से 5 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको 2 से 3 बॉयल आने तक पकाऊंगी और उसके बाद कुकर का ढकना बंद कर दूंगी। चने की दाल अगर आप बना रहे हैं तो बेहतर यही है कि आप कुकर में पकाएं, नहीं तो आपकी दाल इतनी टेस्टी और घुली हुई नहीं बनेगी। दाल रेडी हो गई है इधर और ना गाढ़ी है ना पतली है, जितनी मुझे इसका वो चाहिए थी थिकनेस उतनी मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया और अब इसको लगाने लगी हूँ तड़का। चने की दाल को तड़का लहसुन से नहीं लगाते, इसको हमेशा प्याज से तड़का लगाते हैं। और मुझे तड़के के लिए 3 चीज़ें चाहिए थी जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं तड़का कैसे लगाती हूँ। पैन में मैंने काफ़ी सारा ऑयल डाला क्योंकि तड़का लगाने के लिए ऑयल काफ़ी चाहिए होता है। मैंने पकाते हुए इतना ऑयल नहीं डाला था लेकिन तड़के में काफ़ी ऑयल चाहिए होता। अब ये प्याज एक मैंने छोटे साइज़ का लिया है और इसको इस तरीके से कट करके अब मैं इसको गोल्डन करूँगी। तड़का मेरा रेडी हो गया है और अब मैं इसको दाल में इसका तड़का लगा दिया मैंने। तड़का लगाने से दाल की खूबसूरती देखे कितनी मज़े की निकल आई है। और हरा धनिया मेरे पास फ्रोज़न था तो मैंने वो डाल दिया है और अब देखें कितनी मज़े की लग रही है दाल, इतनी को टेस्टी तैयार हुई है कि बस आप ये दाल चावलों के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, जिस तरह से मर्ज़ी खाएं, हर लिहाज से आपको हर खाने के साथ मज़े की लगेगी। तो मैं ये दाल चावलों के साथ सर्व कर रही हूँ और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको दाल चावल कैसे लगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल। बच्चे घर पर हैं तो फिर आज बच्चों के लिए डिफरेंट डिफरेंट कुछ ना कुछ बनता रहेगा। अभी शाहजेब ने फरमाइश की थी आलू के चिप्स खाने की, तो उसके लिए मैंने अभी फ्रेंच फ्राइज तैयार किए हैं। और जहाँजेब ने अभी खाना शुरू किया जब से स्कूल गया है, तो उसने कहा है कि उसने अंडा खाना है, तो ये एक स्पेनिश ऑमलेट है तो वो बनाया उसके लिए मैंने। दोनों का माशाल्लाह डिफरेंट डिफरेंट खाना तैयार हो गया। अब मैं उनको खिलाती और देखते हैं उनको पसंद आता कि नहीं। गाइस किधर जा रहे हैं? एक्सरसाइज जा रहे हैं, एक्सरसाइज वाले पार्क। जरा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, वीडियो बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक हैं? आज के दिन के काफ़ी हद तक काम हो गया है घर के, खाना बना लिया, बच्चों को नहला लिया और अब टाइम है पार्क जाने का। आज मैं आपको एक्सरसाइज वाले पार्क में लेके जाने वाली हूँ, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज वाले पार्क लेके जाऊँगी। मैंने कहा चलें आज भी छुट्टी ही है तो किसी और पार्क जाने से बेहतर है कि उसी पार्क में चलते हैं। ये देखें जो कल मैंने आपको कहा था कि एक्सरसाइज वाला पार्क दिखाऊँगी, ये है फ्री जिम।
मज़े से आप साइकिलिंग करो। ये है जानजेब, ये पता नहीं क्या कर रहा है। और ये है साइकिल, ये जानशा, ये देखिए जो कल मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जिम दिखाऊंगी फ्री, यहाँ लगी हुई है ये एक्सरसाइज मशीनें। फाइनली कल जो थे वो रॉड टाइप की थी, और ये सही वाली मशीनें हैं जिस पे आप एक्सरसाइज करो। और ये पार्क में फ्री, यहाँ ज़्यादातर बड़ी एज के लोग जो होते हैं 50+, 60+, तो वो आते हैं और वो आके एक्सरसाइज करते हैं। ये देखें, ये हमारे घर से है कोई तकरीबन 15 मिनट की दूरी पे, तो मैंने कहा चलो आज किसी और पार्क जाने से बेहतर है कि इसी वाले पार्क में चलते हैं। ये इस पार्क के साथ ही है ये ट्रेन की पटरी, हमारे घर के जो रास्ता है वहाँ दो ट्रेनें चलती हैं, एक ट्रेन हमारे घर के बिल्कुल बैक पे और एक ये काफ़ी हमारे घर से दूर है, ये उसकी पटरी है और साथ ही ये पार्क है। और आज का मौसम सबसे ज़रूरी, बादल कोई नहीं है, आसमान साफ़ है, इस टाइम 4 बजे का टाइम है और मज़े का मौसम हो रहा है। सर्दी बहुत कम है कि आपके हल्के से एक स्वेटर में भी काम हो जाएगा। और ये देखिए खूबसूरत सा, चिपी करो एक्सरसाइज करो, माशाल्लाह वेरी गुड। शेबी को मम्मा रोज यहाँ पर पार्क में लेकर आएगी, शेबी एक्सरसाइज करेगा, शेबी फिट हो जाएगा। ओके हेलो हाय, ये देखो जी मैं फ्री में साइकिल चला रही हूँ। अब मुझे पता चल गया ये जिम है किधर, आज मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर अकेले आई हूँ, तो इंशाल्लाह ताला मैं हर वीकेंड पे बच्चों को यहाँ पर लेकर आ जाएगा एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज पार्क का पार्क। शेबी मजा आया? शेबी मजा आया किधर से आ गया? हाँ किधर? बुरी है। माशा, ये देखिए जी, वो पटरी के उस पार एक्सरसाइज वाली मशीनों वाला पार्क है और इधर एक और पार्क है, ये भी काफी बड़ा है, इसमें थोड़े से डिफरेंट झूले हैं जो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी इनके पास जगह है, इतने ढेर ढेर से बड़े बड़े से पार्क बनाए हुए इन्होंने के बस। एक स्कूल हमारे घर के पास है और एक स्कूल ये है। गाइस कभी लगे हाँ तारा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को बनाएं, एक नई नोटिस के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस, इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, नई रूटीन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं।